नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने आज टाइटल भरा होगा, आज का हमारा जो टाइटल है कि एक स्टूडेंट हो या अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो वो अपनी मन की स्थिति को कैसे कंट्रोल करे। अब एक क्वेश्चन आता है कि वो मन की स्थिति को कंट्रोल करे ही क्यों। देखिए यहाँ पे तो दो शब्द आते हैं, एक कंट्रोल करना और एक उसे नियंत्रित करना, है ना। नियंत्रित कंट्रोल के लिए, कंट्रोल का तो हिंदी होता है नियंत्रित। देखिए दो इंग्लिश के शब्द के हिंदी बना दिए गए पर ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अब कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर मान के चलिए आप एक मन की पहले एक एग्जांपल से बदमाशी को समझिए कि आपको लगता है कि आपका ये जो पूरा बॉडी है, इतना बड़ा जो बॉडी है, उसे एक छोटा सा मन नियंत्रित करता है। अब वो कैसे करता है तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप गृहिणी हो, चाहे आप कोई दुकान चला रहे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप एक बिजनेस कर रहे हो, और अगर उसने मन में सुबह सुबह सोच लिया कि यार आज नहीं जाना, मुझे आज काम नहीं करना, आज मेरा मन नहीं है, ठीक है, आपकी स्थिति सब कुछ ठीक है, तो आपके मन ने जब ये सोचा, अगर आप ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट मीन्स कोई डेडलाइन नहीं है, कोई जॉब कर रहे हो वहाँ पे जॉब के जो आपके ऑनर है या फिर जो भी आपके बॉस है, अगर आपको कुछ नहीं बोल पाएगा, आप वहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो ज़्यादातर कंडीशन में ये देखा गया है कि आपका उस दिन की जो पूरी कार्यकला है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपकी जो पूरी बॉडी की जो कंट्रोल है, जो पूरा बॉडी आप लेकर घूम रहे हो, वो पूरी बॉडी मात्र एक सोच पे डिपेंड कर रही है। अब आप ना ही तो उस जगह पे जाओगे जहाँ पे आप कार्यरत हो, या फिर जो कार्य आप डेली करते आ रहे हो, ना आप उस कार्य को करोगे। फिर आपके बाद अगर कोई पूछेगा भी कि आज ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपके मन एक अंदर से ना ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ के लाएगा कि आज मेरी तबीयत खराब है, सारा दिन काम करते करते थक गया, क्या ज़िंदगी में एक दिन छुट्टी भी नहीं मना सकते, क्या ऐसे। फिर क्या होगा ना कि आपके अंदर बहुत सारे बहाने जब डेवलप हो जाएंगे तो आप जो चीज़ नहीं भी हो उस चीज़ को भी आप फील करने लगो कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज थोड़ा मुझे इस टाइप का फील हो रहा है। तो फिर क्या होगा कि आपका मन आपको बहुत सारे बहाने दे देगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एक बॉडी जो है उसको कंट्रोल एक छोटी सी सोच कर सकता है। तो क्या हम इस सोच को नियंत्रित कैसे करें? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में आप किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने मत जाइए। दुखों का और जो सैडनेस होता है, उसके बाद एक डिप्रेशन की अवस्था होती है, वो तभी आती है जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने जाते हैं। देखिए हमारा जो माइंड है ये हज़ारों लाखों सालों के बाद विकसित हुआ, बहुत सारे जानवर हैं लेकिन उसमें से जो इंसान आया उसे सबसे सुपर ब्रेन मिला, और ये एक दिन दो दिन में ऐसे अचानक नहीं हुआ, एक बहुत लंबा टाइम लगा इन चीज़ों में। अब क्या हुआ कि कभी कभी ये ब्रेन जो होता है वो खुद का ही दुश्मन बन जाता है, खुद का ही दुश्मन बन जाता है। अब वो कैसे बनता है उस बात को समझिए। आप कहते हो ना कि मैं थक गया, या मुझे काम नहीं कर रहा, या चिड़चिड़ापन आता है। आप उसी काम में थकते हो, आप उसी काम में चिड़चिड़ाते हो जिसमें आपका बॉडी वो कर रहा है जो आपका मन नहीं चाह रहा है। उस काम में बहुत स्ट्रगल है इस दुनिया का, याद रखिएगा। अगर आपका मन नहीं किया कि आज हमें पढ़ाई करना है और आप ज़बरदस्ती किया जा रहे हो, आपके अंदर इरिटेशन, काम ना करने का व्यू, उसके बहाने, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने निकल कर आ जाएगी, और एक समय के बाद आप थकावट फील करोगे। कहते हैं ना कि बहुत काम कर लिया, काम वो करते हैं जिसका बॉडी कुछ और कर रहा है और मन कुछ और कह रहा है। तो ये पूरी जो स्थिति है, इसी स्थिति में हम थकावट की प्रक्रिया करते हैं। और ना जिसका जिस काम में मन लग रहा है उसमें आपको पता ही नहीं चला है कि कैसे आपके 4 से 5 घंटे बीत गए। तो ये तो एक स्थिति हुई कि आपका मन के अकॉर्डिंग जब आप कोई काम करोगे तब क्या होगा कि आपको उस स्थिति में आपको थकावट या बाकी चीज़ें फील नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल के बारे में आप बात करते थे, तो जरा सा मैं वापस आकर कंट्रोल पे चलूँ। तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना बंद कीजिए, दुख की स्थिति यहीं से चालू होती है। कब? जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने जाते हो कि आपने जैसे कि पढ़ाई कर लिया, मन हो गया, या किसी इंसान भी हो गया, अब उन इंसान के पीछे आपने टाइम दिया है, आप उन इंसान से एक एक्सपेक्टेशन रखते हो, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, पर वो कंट्रोल नहीं होगा आपसे। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होगा फिर दुख की स्थिति चालू होगी। कई माँ बाप को कहते हुए मिलेंगे कि मैंने बच्चों को इतना समय दिया, इतना पाला, और आज देखिए वो कंट्रोल से बाहर है। आप उनके सही और गलत का फैसला ज़रूर कीजिए, उन्हें सही और गलत के बारे में बताइए, पर आप जो एक स्वार्थ की भावना जोड़ लेते हैं कि मैंने उसे एक समय दिया, या मैंने उस आदमी के पीछे इतना समय लगाया, या मैंने ये किया, और तब जाकर वो आदमी ऐसा कर रहा है, तो आपने भी तो क्या किया, आपने भी तो एक उसके ऊपर क्या किया, अपनी जो एक्सपेक्टेशन उसको थोप दिया कि वो आदमी ऐसा करेगा, है ना। आप उसको नियंत्रित करना चाह रहे हैं कि वो आदमी ऐसा ना करे, वो मेरे हिसाब से ये काम करे। तो क्या होता है, कई बार ये चीज़ें एक जब लिमिट को क्रॉस कर जाती है
तो क्या होता है, दुख होता है कि वो आदमी मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। आपके अकॉर्डिंग क्यों काम करेगा? आपको सोचना चाहिए कि क्या वो कोई भी आदमी जो कार्य कर रहा है हम उसे ठीक कैसे कर सकते, उसे सुधार कैसे कर सकते, ना कि ये कि हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, कई माँ बाप के बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये बनना है या मुझे वहाँ जाना है, मुझे आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मुझे इंजीनियरिंग नहीं करके बी फार्मा करनी है, चाहे मुझे बी फार्मा ना करके मुझे ये करना है, कई सारी चीज़ें। तो आप उसमें सुधार की गुंजाइश रख सकते हैं कि ठीक है आप बी फार्मा यहाँ से नहीं करो, इसके लिए कॉलेज निकाल लो वहाँ जाओ, या आप बी फार्मा ना करके आप अगर बी फार्मा करना है MBBS कर लो, आप थोड़ा सा मेडिकल तैयारी करके नीट की तैयारी कर लो, या और भी कई सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पर आप तो अड़ जाते हो कि नहीं तुम्हें ये करना है, बैंक क्लर्क बनना है तो बनना है। आप अगर ऐसा कर रहे हो मतलब कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, किसी कंडीशन में अगर आप हावी हैं उन पर, या आपकी जो स्थिति है कुछ कई सारी स्थिति है फाइनेंशियल कंडीशन से लेकर बड़ी सारी स्थिति में, तो आप कई बार क्या होते हैं कि आप उस पर अपना फैसला थोप भी देते हैं। पर मैंने अभी बताया अगर उसकी मन और उसकी इच्छा उस काम में नहीं है तो वो थकेगा नहीं? बिल्कुल सकता है, क्योंकि उसका मन करना कुछ और चाह रहा है, अब करवाओ उनसे कुछ और रहे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाकर आपको नहीं देने वाला है। तो आपको भी तो एक बात समझना होगा कि जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं मतलब कि हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और इस दुनिया में हर आदमी एक दूसरे से दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, रिश्ता हो गया, वो इसलिए ही जमाता है क्योंकि आप उसे कंट्रोल कर सकें। अगर मैं एक छोटा सा डेमो लेके चलूं, कोई भी आदमी किसी से बातचीत करता है तो जब आपको नहीं जानते तो बड़ी इज्जत भरी तहजीब बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, लेकिन जैसे ही आपको जानने लगेगा वो धीरे धीरे ख़त्म होती है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि अब तो कंट्रोल हो गया मेरा इस पर। ठीक है, तो ये कंट्रोल की जो भावना है वो आपको छोड़ देनी होगी। सेम स्थिति में आपका मन फंसा है, अगर आप मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो ये उससे बहुत ज़्यादा चालाक है, ये आपको ही कंट्रोल कर डालेगा। तो आप तो पहली बात कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, तो सर इस मन को हम लगाए कैसे पढ़ाई पे? क्योंकि जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये पढ़ाई को लगेगा। देखिए इसे बिगाड़ा भी आपने है तो इसे संभालोगे भी आप, और इसे बड़ी प्यार से संभालना होगा क्योंकि ये है आप ही का मन। तो देखो कैसे अब इसे प्यार से संभालें। सबसे पहली बात तो ये पहले शुरू से तो ऐसा नहीं था, जब आप 9th क्लास में थे, जब आप 10th क्लास में थे, या जब आप बहुत छोटे थे, तो आपका काम, आपका जो दिल था वो काम में लगता था, आप काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, चीज़ें भी करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो अभी जो इन्वायरमेंट बना हुआ है इसमें आदमी हर चीज़ से बोर हो चुका है। अब देखिए इसका कारण बहुत सिंपल हुआ क्या कि आपने अपने मन को बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखा दी, नई नई चीज़ें दे दिया। अब क्या हुआ कि जब आपकी मन कई नई नई चीज़ों को करने लगा तो उसके बाद जो कम बोरिंग वाली चीज़ें हैं वो उसको जल्दी करता है, जो ज़्यादा बोरियत वाली चीज़ें हैं उसको वो नहीं करना चाहता, या किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जा रहा है। अब इस पूरे टेक्नोलॉजी को समझना है तो उसको समझिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो समाधान होता है वो समस्या की जड़ में होता है। तो पहले आपको समस्या के जड़ तक पहुंचना होगा, फिर हम उसके समाधान को निकाल कर लाएंगे। तो आप इस बात को समझिए बच्चों, या जो भी लोग हैं, तो आप इस बात को समझिए कि जब आप देखते होंगे कि मोबाइल का लत एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबाइल का एग्जाम्पल लूँगा तो आप कई सारे एग्जाम्पल्स को भी समझ जाएंगे। आप क्या होता है कि जब आप मोबाइल को देखते हैं, ठीक है, तो उस मोबाइल के कंडीशंस में क्या होता है, जब आप मोबाइल को देख रहे होते तो मोबाइल को देखने पर कुछ चीज़ों को आप स्क्रॉल कर दो, जैसे ही आपको कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें मिले, आप उसको खुद से भी रिलेट कर सकते हो। जब शुरुआत में आपने मोबाइल लिया था और आपने एक छोटी सी चीज़ देखी थी फेसबुक पर, ठीक है, एक घटिया सा चुटकुला पढ़ा था, है ना, कि एक चींटी था, एक हाथी था, चींटी जा रहा था, चींटी हाथी के ऊपर गिर गया, तो किसी दोस्त ने बोला कि उसको पीस दो, बहुत हंसी आया हमको इस पर। क्योंकि आपका जो माइंड है वो खुश होने पर जब उसको हैप्पीनेस फील होता है तो वो क्या करता है, एक केमिकल को छोड़ता है, ठीक है, किसको छोड़ता है बच्चों, वो एक केमिकल को रिलीज करता है। तो जब उस केमिकल को वो रिलीज करता है तो एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज करता है, तो हमको उससे क्या होती है, खुशी होती है। जब आपका माइंड थोड़ा और आगे जाता है तो क्या होता है, आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में केमिकल रिलीज करता है, ठीक है ना। अब जब वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करता है तो जो पोस्ट को देखकर आपको पहले दिन खुशी हुई थी, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड ने मान के चलिए 1 ग्राम केमिकल रिलीज किया, मैं एक डेमो के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 1 ग्राम केमिकल रिलीज किया, अगले दिन उससे बढ़िया पोस्ट हमको मिला, बहुत बढ़िया वीडियो मिला, तो अब हमको 2 ग्राम केमिकल रिलीज होगा माइंड में हमारे, ठीक है, 2 ग्राम केमिकल रिलीज होगा। अब अगर अगले दिन मुझे और बढ़िया पोस्ट मिला तो आप 3 ग्राम केमिकल रिलीज होगा। तो आप सोच के देखिए, जो पहला पोस्ट आपने देखा था जिससे आपको 1 ग्राम केमिकल रिलीज हुआ था माइंड में, ठीक है,
ठीक है, अब जब 3 ग्राम केमिकल रिलीज की आपको आदत पड़ चुकी है, तो क्या आपको वापस वो पोस्ट खुशी दे सकती है? नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आप वो 1 ही ग्राम केमिकल रिलीज कर पाएगा। तो आप जब उस पोस्ट को देखिएगा तो अब आपको मज़ा नहीं आएगा। अब आपको क्या चाहिए? ड्रग्स की तरह, एक ड्रग्स एडिक्ट जो एक शराबी होता है, जो ड्रग्स पीता है, जिस तरह से उसका माइंड रिएक्ट करता है, सेम उसी तरह एक मोबाइल वाले का माइंड रिएक्ट करता है, बिल्कुल वही रिएक्शन होता है। आप उसको देख सकते हो, जब सोनोग्राफी वगैरह चीज़ों पर देखोगे तो उसको आपको दिखाई देगा कि सेम रिएक्शन सबके माइंड में होते हैं। तो जब आप मोबाइल की लत में जाते हो, तो जो चीज़ें आपको कल तक मज़ा दे रही थी, अब आपको उससे ज़्यादा टोपालीन चाहिए, क्योंकि टोपालीन ही वो चीज़ है जिससे, केमिकल का नाम है, जिससे वो आपको मज़े या खुशी का एहसास कराता है। तो जब धीरे 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 आप एक बहुत लंबे समय तक मोबाइल को चला लोगे, तो देखिएगा जिस समय आपने शुरुआत में मोबाइल लिया था, तो आपको बहुत जल्दी जो है किसी चीज़ को देखने पे खुशी मिलती थी, अब उन चीज़ों को देखने पे खुशी नहीं मिलती। इसीलिए आप देखिएगा कई लोग बैठे बैठे वो हाली हाली मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ हमको मिल जाए जिससे हमने नहीं देखा है अभी तक, और वो चीज़ हमें मिल जाए ताकि हमारा दिमाग टोपालीन को रिलीज करे और हम शांत हो जाए, पर उसे मिलता नहीं। इसीलिए बेचैन आत्मा की तरह वो स्क्रॉल करके खोजते रहता है या कुछ कुछ करते रहेगा। ये पूरी चीज़ है, पॉर्न एडिक्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। जब आप किसी को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जब केमिकल रिलीज होता है, तो आप फिर जाकर वापस उसी केमिकल के पीछे भागते हो। ये आप नहीं करते हो, ये आपका माइंड आपसे ऑटोमेटिकली करवा लेता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप ये देखा कि टोपालीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एडिक्ट बनाते जा रहा है। तो आप सपोज करो कि आपके मोबाइल में ऐसे बहुत से कंटेंट हैं, और ख़ासकर देखिएगा कि आपको वैसे कंटेंट जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आप वापस वहीं चले जाओ, क्योंकि वो आपको ना चाहते हो कि आप वहाँ पर टोपालीन वगैरह देख रहे हो। इसीलिए देखिएगा आज इंटरनेट पे 90% पोर्नोग्राफी, 90% चाहे वो हर चीज़ों में। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाह रहे, लोग तो बुराई तो कर रहे हैं कि हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, लेकिन जो तो उसका माइंड का टोपालीन है, जब उसको वो रिलीज करता है, तो उसी कंडीशंस में क्या होते हैं ना कि वो जाकर वापस ना चाहते हुए उन चीज़ों को देखते हैं या उन चीज़ों को अनुभव करते हैं कि हाँ ये पोस्ट ऐसा होना चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनको बहुत हैवी अमाउंट में टोपालीन रिलीज होता है, और इस कंडीशंस में क्या होता है कि उसको बहुत खुशी मिलती है अंदर से, क्योंकि वो एक ड्रग्स की तरह हो गया, ड्रग्स ले लिया शांत हो गया। ये पूरी चीज़ें हैं। आजकल कोई भी माँ बाप या कोई भी लोग इस बारे में बात ही नहीं करते, उनको लगता है इससे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। गलत, इससे आपके बच्चे सुधरेंगे, वो खुद को समझेंगे कि हम आखिर किस कंडीशन में फंसे हुए हैं, हमें कैसे इससे निकलना चाहिए, रूट कॉज क्या है इससे निकलने का। तो आपने अभी तक प्रॉब्लम देखा कि ये जो टोपालीन वगैरह है, ये चीज़ें कैसे रिलीज करती है, और वाकई में किस तरह से मोबाइल की दुनिया में फंसे हुए। आप सोच के देखिए, जब आप इतनी हाईली टोपालीन अपने माइंड में रिलीज करवा रहे हो, और जब आप पढ़ने जाओगे, तो क्या आपको लगता है कि आप पढ़ते वक्त पढ़ाई में आपको मज़ा आने वाला है? नहीं। पहले आता था 10th क्लास में, जब आप किसी सवाल को बनाते थे, तो थोड़ा टोपालीन भी अगर रिलीज होता था, तो आपको बहुत खुशी मिलती थी कि आज मैंने ये रख लिया, आज मैंने ये याद कर लिया, आज मैंने ये बना लिया। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके माइंड को पहले इतनी टोपालीन हाई डोज की ज़रूरत नहीं होती थी, पर अभी आपके माइंड को बहुत हाई डोज की ज़रूरत है। तो इस हाई डोज को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स या साधन चाहिए होता है। इसीलिए आप देखते हैं कई जो बच्चे जो मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, वो बाहर आप फंक्शन चल रहा हो जी, बाहर शादी का माहौल हो, कुछ भी हो, मोबाइल लेके अपना पड़े रहेंगे। वो नहीं है, क्योंकि उसको जो टोपालीन हैवी अमाउंट में चाहिए वो मिल नहीं रहा है सामने, तो वो क्या कर रहा है, बहुत मोबाइल से वो चीज़ें एडिक्ट कर रहा है। तो जब क्या हो रहा है कि बच्चों के अंदर भी यही बात है, तो कहने के मतलब आप उसके माइंड रीड कीजिए कि एक बच्चा गेमिंग कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, तो आप उसका मोबाइल छीन के देखिए गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो टोपालीन चाहिए होता है, उसके माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है। आपका बच्चा की बॉडी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतना बॉडी जैसे था वैसे ही है, उसके माइंड को आप कंट्रोल करना सीखिए। तो ये तो प्रॉब्लम हुआ, इससे बचने के क्या उपाय है? ठीक है, हाँ, तो पहले मैं ये बता रहा था, सॉरी, कि आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको बोरियत महसूस होगा। अजी बोर सा लगेगा सर, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, आपका माइंड इतना चंचल हो चुका है, आपने अपने माइंड को इतना हाई एडिक्ट बना दिया है, इतना हाई टोपालीन रिलीज करवा दिया है कि अब आपको पढ़ाई में मन लग ही नहीं सकता। पढ़ाई में क्या, इनफैक्ट आपको पबनी में ही मन नहीं रहेगा, किसी फेस्टिवल में भी आप शामिल नहीं हो सकते, आप मोबाइल लेकर पड़े रहोगे कोने में। एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अब सवाल आता है कि सर इससे निकले कैसे, इससे क्या कंडीशन है? देखिए, मैंने पहले ही बोला, कंट्रोल करना सीखिए। सबसे पहली बात तो जो भी लोग बहुत ज़्यादा इसमें घुल चुके हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि आप एडिक्ट है। लेकिन क्या है ना कि आप भी चाहते हैं निकलना, लेकिन जो आपका मन है ना, वो आपको फंसा के रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो आप उस रूम को चुनिए, पहले अंधेरे वाले रूम को छोड़िए, जहाँ से रोशनी आपके घर में आ रही हो, सनलाइट आपके घर में बहुत अच्छे से रीच कर रहा हो, आप उस घर को पकड़िए।
क्योंकि उस घर में जब आप खिड़की खोल के बैठते हो तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद आप सो ही नहीं सकते, लेकिन जब आपका घर अंधेरा होता है तो एक डिप्रेशन सा छा जाता है आपके घर में, सारे जगह पर आप देखोगे डिप्रेस टाइटल होगी, ये स्थिति मनोस्थिति बहुत ख़राब होती है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा रूम लेना पड़ेगा जहाँ पे क्या होगा सनलाइट वगैरह अच्छे से आती हो, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो तो बहुत अच्छा हो, तो आप सनलाइट वाले रूम को पकड़िए। लेकिन जो बच्चा एडिक्ट होगा देखिए वो सबसे पहले सनलाइट वाला रूम छोड़ देगा, कुछ भूत वाली कहानी है, तो वो क्या करेगा अंधेरे रूम में पकड़ेगा जहाँ पे कोना मिले अंधेरे में रह सके। तो ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा सनलाइट वाले रूम्स को पकड़िए, है ना। दूसरी बात, आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं, अंधेरे वाले रूम में आप 10 बजे तक मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन सनलाइट वाले रूम में आपको नहीं चला सकते, क्योंकि लाइट्स आते रहते तो आपको लगभग रखना पड़ेगा मोबाइल। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, पहला चीज़ तो क्या है, डेडलाइन फिक्स होना चाहिए, तभी आपके काम करने का मतलब निकलता है। जैसे मान के चलिए काम कैसे लोग टालते हैं, तो जैसे आपको पढ़ना है कि फिजिक्स का आज क्वेश्चन मिला तो आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि इसकी डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन नहीं है तो आपका दिमाग उसको पढ़ने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत पहले से आती आ रही है, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया वो अलग बात है। इसीलिए कबीर जी भी कहते हैं कल करो सो आज करो सो अब पल में पढ़ ले होगी बहुरी करोगी कब, तो ये बहुत पहले की कहानी है। फिर अभी तो कुछ ज़्यादा हो रहा है मोबाइल के चक्कर में, तो क्या हो रहा है कि पहली बार तो आप इनसे बचने के लिए एक हो सके तो लाइट वाला रूम लो। दूसरी स्थिति, आप कोशिश करो कि आप कुछ दिनों तक ऐसा मान के चलिए कुछ दिनों तक हम मोबाइल में जब भी कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें आपको दिखाई दे कि हाँ ये कॉमेडी हमको बहुत हंसाएगा, तो ये चीज़ें, तो ये आपको दुश्मन भी बन जाएगा क्योंकि आपसे ये हाईली मेटा जो टोपालिन है वो आपको रिलीज करवा देगा। आपको मस्ती करना है तो ऑफलाइन करो ना, आप किसी दोस्त से बातचीत करो या आपके कोई दोस्त है उसके साथ बैठ के मजाक करो, ये चीज़ें आपको उतनी हाई अमाउंट में टोपालिन नहीं देगी, लेकिन फिर भी जितना आपकी ज़रूरत है उतना आपको ज़रूर दे देगी। तो आप क्या करो ना कि जब भी कोई ऐसा चीज़ है तो आप समझ लेना कि आज तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं लेकिन कल इस जैसा कॉमेडी मिल पाएगा नहीं, तो इन चीज़ों को छोड़िए। तो आप क्या कीजिए, पहली बात तो कोशिश कीजिए कि आप ना अपने दिमाग को इधर से हटाने की कोशिश मत कीजिए बल्कि कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। आप कहीं और लगाने से मेरा क्या मतलब है, आप सबसे हल्का सब्जेक्ट उठाइए, जैसे फिजिक्स में अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप केमिस्ट्री उठा लीजिए, केमिस्ट्री में नहीं बन रहे तो मैथ्स उठा लीजिए, मैथ्स में नहीं बन रहे फेयर ही कीजिए, एटलीस्ट फेयर ही कीजिए, लिखिए और उस चीज़ों को रटना चालू कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए। या अगर आप बहुत बुरी तरह फंस गए तो आप अपना टाइम ना बाहर बिताना चालू कीजिए। अब बाहर बिताने से मतलब क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए आप दोस्तों के रूम पे चले जाइए, अगर वो एडिक्ट ना हो तब उनके साथ रहिए, दो तीन दोस्त साथ मिलकर के पढ़ाई चालू कीजिए। इससे क्या हुआ, कोई एक दोस्त मोबाइल नहीं, अकेलापन ही आपको मोबाइल उठवाएगा, सबसे पहले आपको अकेला करेगा फिर आपको मोबाइल उठवा देगा, ठीक है। आप देखते नहीं कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत में अपने माइंड उसका कैसे गेम खेलता है, ऑफलाइन क्लास छोड़ दो चलो ऑनलाइन में चलते हैं, फिर ऑनलाइन में घुस जाएगा, फिर ऑनलाइन के बाद धीरे धीरे वो कहाँ घुस जाता है उसको भी नहीं पता चलता, तो वो उसका माइंड पहले उसको अकेला करता है। इस बात को समझिए, दो तीन दोस्त हो जाइए साथ में रहिए, साथ में रहने के बाद क्या कीजिए कि आप स्टडी करना चालू कीजिए, तीन घंटे चार घंटे खाना बनाइए, रात में सोने से पहले क्या कीजिए कि आप इतना थका लीजिए खुद को, कैसे थकाइएगा, पढ़ते पढ़ते आप पढ़ना चालू कीजिए, पढ़ते पढ़ते सो जाना, लेकिन ये मत सोचना कि हम चलो पढ़ाई से हट जाते अब सोने जाते, ऐसा मत करना। पढ़ते 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 लिखते 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 अपने आप नींद आ जाएगा, पढ़ाई बहुत नींद की शक्ति होती है। तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, एक कुर्सी लीजिए, बेड को पहले हटाइए, मतलब बेड पे पटना बंद कीजिए, आप चारों ओर रूम को साफ रखिए, बहुत साफ रखिए, साफ नहीं बहुत साफ रखिए, इससे डिप्रेशन आते हैं, रूम को बहुत साफ रखिए, अपने मनोस्थिति को संभालने के लिए खुद को बहुत फ्रेश रखिए, खुद को बहुत फ्रेश रहिए, डेली स्नान कीजिए और खुद को फ्रेश रखिए। अगर आप इस कंडीशन को बाद में आप नहीं भी करो दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इसमें फंस जाते हो खुद को डेली अच्छे कपड़े पहनिए ताकि इससे साफ़ सुथरापन आए, और जब वो आता है अच्छे डाइट्स लीजिए, अच्छे डाइट्स लीजिए, बहुत आप ही को सोच निकलना पड़ेगा इससे। उसके बाद आप क्या कीजिए, 21 दिन तक 21 डेज तक आप एक रूटीन फॉलो कीजिए कि मुझे कम से कम मोबाइल देखना है, मोबाइल को बहुत हद तक थोड़ा दूर रखिए। आप देखिएगा आपके 99% जो समस्या उसकी प्रॉब्लम की जो रूट होगा वो मोबाइल होगा, क्योंकि उसने आपको बहुत हाईली टोपालिन रिलीज करवा दिया। तो बेटा इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने टेबल पे बैठिए, बैठना सीखिए, बैठे मत जाना सीखिए, चार घंटा पाँच घंटा फेयर ही कीजिए, कुछ मत कीजिए। समझिए कि हमको फिजिक्स का फेयर कर लेना है, जब आप फिजिक्स का फेयर कर लीजिएगा केमिस्ट्री का फेयर एक कर लीजिएगा तो आप देखिएगा बहुत हद तक आपको याद हो जाएगा, टॉपिक सब पकड़ा जाएगा। उसके बाद NCERT का बुक बनाइए, जो आपको बैक में मिला हुआ उसको कंप्लीट कीजिए। कब पढ़िएगा, समय कहाँ है, दिन तो बीतता जा रहा है, तो आप जो जितना पढ़ चुके उसको ख़त्म कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो आपको ये समस्या हुई और इसका जो समाधान है बहुत सिंपल से मैंने आपको बताया कि बहुत बेसिक से समाधान है, खुद के रूम को ठीक कीजिए,
अपने अंदर परिवर्तन लाइए, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड कीजिए, अपने आप को बिजी कीजिए खाना बनाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, क्रिकेट खेलने में अगर आप हो तो, या गर्ल्स हो तो कोई और ऐसी एक्टिविटी जो आपको थका दे उस, जैसे कि आपको बैडमिंटन खेलना, माँ आपके साथ खाना बनाना, या खुद ही कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाना जिससे आपको ऑफलाइन ज़्यादा आप चीज़ों में इन्वॉल्व रहिए, है ना। अब धीरे 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 क्या होगा आपकी कंडीशन, पहले पढ़ना बाद में, पहले आप इस जो मोबाइल बार बार उठाने की जो टेंडेंसी है ना इससे दूर हटिए, ठीक है। कहीं जा रहे हो, जैसे आप बाहर जा रहे हो मॉल वगैरह जा रहे हो या बाहर जा रहे हो सब्जी खरीदने, मोबाइल को डाल दीजिए, देखिए आपका माइंड कितना बेचैन कर देगा, वापस जल्दी बुला लेगा। लेकिन आप ये समझिए कि वो जितना बेचैन होगा हम उतना बुरी तरह फंस चुके होंगे, तो आप उससे बाहर निकलिए। और अगर आपकी मोबाइल की लत उतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको बस कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट स्टेज को पार कर गए हैं, बस पढ़ना बैठिए। जो चीज़ आपको टाड़ने का मन करता है कि नहीं हमको पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है टाड़ना चाहिए, तो वो मन की स्थिति है, जिस चीज़ों जो चीज़ उसको लगता है कि टोपालिन रिलीज नहीं करवाएगा थका देगा उससे आपको भगाते रहेगा, तो आप भागना कब तक है, आपको बैठ करके आपको आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा ना। तो कोशिश कीजिए कि आप आज से अपनी चीज़ों को चालू कीजिए, कोई पर्व नहीं कोई त्यौहार नहीं, पहले आप इसको खुद को नॉर्मल स्थिति में लाइए। और क्या पढ़ना है तो जो अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि एक बच्चा फिजिक्स यानी साइंस के लिए वो किस तरह से पढ़े, कैसे पढ़ाई करे, कैसे वो चीज़ों को करे कि बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर मैंने कोई बात आपको ऑफेंड किया होगा तो ये पर्पस केवल नॉलेज के लिए था और इसका कोई मकसद नहीं था, इसीलिए आप इसे आई होप इसको समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर, और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।